अस्सलाम वालेकुम। पहले जो आपको वीडियो दिखाई थी कि इसकी जो स्टारिंग की जो हालत थी वो दिखा दी थी आपको। अब इसमें ये छोटी जो स्टारियां हैं ये दोनों चेंज की हैं, ये CGF की डाली हैं। ये देखें, ये इसकी स्टारियां CGF की डाली हैं, ये पिन भी इसमें CGF की डाली है और बकाया ये ठीक है। हांडी वगैरह वही पहले वाले बड़े स्टारियां भी जो हैं वो पहले वाले हैं, बेरिंग इसके ठीक थे। अब इसमें ये सीलन चेंज करने लगे हैं। ये सीलन जो है ये ग्लीजन की मैं डालता हूँ, ये अच्छी चलती हैं। ये डबल सीलें होते हैं, काफ़ी टेट होते हैं ब्रेक सील, ये मैं ग्लीजन की डालता हूँ, ये ठीक है। इसमें असम्बली किट इसकी डालनी है, ये असम्बली ख़राब थी इसकी, इसकी वाल्व की सीट काफ़ी ज़्यादा ख़राब, ये सीट लगाई है एम्बली लगा कर। ये हाइड्रोलिक फिल्टर है इसका, ये देखिए इसको बताइए, सिलिकॉन चमड़ी हुई है, सिलिकॉन इसको चिपकी हुआ है। दूसरा इसके इस पर कचरा काफ़ी ज़्यादा लोहे का, ये देखिए ये उन सटारियों का कचरा है। वो पूछ इसके घास गए हैं, टूटे नहीं हैं, ये देखिए ये कचरा। फिल्टर इसका चेंज करने के काया धो लिया, सफाई कर ले, यहाँ से ये टापा खुला हुआ है इसकी सफाई करनी है, अंदर से इसकी सफाई कर लिया है। और इसके जो ये जो बेरिंग है इसके ये वाला, ये दोनों चेंज किए। इस सेल पे इसका जो बेरिंग है वो गेयर बक्स वाला डाला है 2207, वो चुराई में काफ़ी ज़्यादा होता है। सेंटर वाला जो इसका बूश होता है पेप नुमा वो छोटा करना पड़ता है। इस सेल पे इसका अपना जो जेनरल सेल का बेरिंग होता है वही डाला है NJ 307 वाला। अब इसकी असम्बली पर फिट करने रह गया है, असम्बली की सफाई करनी है, ये सामान इसका जो है ये साफ़ करना है। ये इसमें कचरा आ गया था काफ़ी ज़्यादा, ये इसका क्रोम तो काफ़ी उड़ा हुआ है लेकिन ये गुजारा कर रहा है, फिलहाल ठीक चल रहा है। जब कचरा आता है तो ये ख़राब होता है, वैसे ये मुरम्मत होने वाला है लेकिन ये यहाँ से मुरम्मत नहीं होता, इसीलिए इसको सफाई करके फिट करेंगे। ये माशाल्लाह फिट चल रहा है, इतना प्रेशर इसका डाउन नहीं है। कंट्रोल वाल वगैरह बाका है, सब कुछ इसका ठीक है, हराले का कंट्रोल वगैरह सब कुछ ठीक है, इसीलिए इसकी से किटी डालेंगे और सफाई करेंगे। बकाया ट्रैक्टर फिट हो गया इसका, ये वाला जो पिस्टन है इसमें डबल रिंग करने लगे हैं, जो पहले भी आपने देखा होगा काफ़ी ट्रैक्टर में कर चुके हैं, ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा चलता है। ये जो रिंग है ये 375, 385, 260, 350 वगैरह, इन ट्रैक्टरों में जो राम सिलेंडर पिस्टन है उनका ये उसका ये रिंग होता है, उसकी जो किट होती है ये वो वाली है, उसका उसके साथ एक रिंग होता है, इसके जैसा एक रिंग होता है उसके साथ, और एक हेल्पर, ये हेल्पर होता है। हम यहाँ पे झड़ी लगवाते हैं, झड़ी लगवाने के बाद इस पर ये वाला जो रिंग है ये लगवा लेते हैं। ये पिस्टन इसका थोड़ा ख़राब है, ये डोन करता रहता है, अगर किट नहीं डाली थी 2 दिन पहले तो ये आप तो डोन नहीं कर रहे लेकिन ये डोन करने लग जाते हैं। ये लगाने से आपका पिस्टन भी ख़राब नहीं होगा, स्लीप भी ज़्यादा ख़राब नहीं होगी, ये जो इसका सिलेंडर होता है ये वाला जो सिलेंडर ये जल्दी ख़राब नहीं होता, क्योंकि पहले सिलेंडर के साथ ये पिस्टन चलना होता है, लोहे के साथ लोहा चलना होता है, अब ये इसके साथ ये वाला रिंग चलेगा हेल्पर, जिसकी वजह से इसके साथ ये इसके साथ ज़्यादा टच नहीं होगा, डगर नहीं लगेगी और ये बहुत अच्छा चलता है, ये डोन भी नहीं करेगा। ये असम्बली इसकी फिट काट लिया है, ये कंट्रोल वाल फिट करना भी बाकी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वतन चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।